कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार 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 ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी यह एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नेताओं को, और उसमें हम सब शामिल हैं, कि अगर हम आपका काम नहीं करें और चुनाव के समय आपके जज्बात उभारने की बात कर लें, या आपको किसी जैसे आप जज्बाती मामले पे आपकी आपको उकसा दें और फिर उसके बल पर आपके वोट लेके सत्ता में बैठ जाएं, लेकिन फिर आपकी बिजली हम ना दिलवाएं, आपका विकास हम ना करवाएं, आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के मौके नहीं दिलवा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं, और सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं, तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रही हूं कि 18 साल हो चुके, 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया। अगर किसी इंसान ने 18 साल में अपनी असलियत आपको नहीं दिखाई और आपको ये पता नहीं चला कि वो आपका काम नहीं करने वाले हैं, तो शायद कभी नहीं पता चलेगा। अब 18 सालों में आपने सब कुछ देख लिया, घोषणाएं देख ली, असलियत देख लिया, टीवी में विज्ञापन देख लिए, असलियत देख लिया, बड़ी बड़ी होर्डिंग देख लिए, बड़े बड़े इवेंट देख लिए और सच्चाई देख ली। तो अब आप तय करिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना है। अपने देश प्रदेश को विकसित बनाना है कि नहीं, अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं, बनाना है ना? तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए, 6 महीनों में चुनाव है, 6 महीने हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो आपने 18 सालों में देखा है उसका आकलन करने के लिए, 6 महीने हैं ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने देश में, अपने प्रदेश में, जो आपके प्रति जवाबदेह बने।